सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल कलिंग ब्लॉगर गाइड। टुडे आई विल यू गाइस ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, मैं आजकल अपने ससुराल रुद्रपुर में एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करके रेडी, लाइक मतलब फ्रेश फ्रेश हो, एंड आज मैंने अपनी पिंक कुर्ती डाल लिया। सो यस, अभी आप दिखाती हूँ मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे क्या क्या होता है। सो आ चुकी हूँ मैं नीचे। सो गाइज, मैं आ चुकी है अपने घर के पीछे, एंड आपको जो पीछे दिख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए धान और ये जो खाली एरिया है इस पे गाय के लिए चारा लगा हुआ है। तो आज हमारे जो खेत है ना, उनके धान कट रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे धान कटते हुए नहीं देखे कभी, पास से आई मीन। तो आज आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे धान कटाई होती है। हमारे पहाड़ों में ना दो तरीके से धान कटाई होती है। एक तो लाइक ये तराई भाबर साइड को प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे मशीनों का यूज़ किया जाता है और टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो जाता है और लेबर्स भी काफ़ी कम लगते हैं। बट जो हमारे आगे काठगोदाम से आगे रास्ता है, लाइक हल्द्वानी से आगे जो एरिया होता है, वहाँ पे पहाड़ खड़े पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे बड़ी मशीनें जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मतलब लाइक मैन पावर ज़्यादा लगती है एंड छोटी छोटी जो मशीनें वहाँ पे जा सकती है वो वहाँ पे जाती है। बट आज मैं आपको यहाँ पे तराई भाबर्स में कैसे कटाई होती है धान की वो दिखाऊंगी। वो हमारे खेत है एंड आज हमारे खेतों पर हो रही धान कटाई, तो आपको मैं ले चलती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल अकेले हूँ, आगे जाती हूँ। ये अभी कटा है, ये सारी अभी कटा है। जैसे क्रॉप क्रशर से इतना बड़ा होता है ये। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ट्रैक्टर के पास और ये देखो ये धान यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पे देखो गाइस, आ चुकी हूँ मैं अपने खेत पे एंड पीछे आपको क्रशर की आवाज़ आ रही होगी। वैसे धान काट रहे हैं और ऐसे काट के कुछ जैसा दिख रहा है ये। फिर यहाँ पे आग लगाई जाती है और ये जो गेहूँ आते हैं इस पे आते हैं। ये सारे खेत पूरे वहाँ तक जाकर आपको दिख रहा है, सारा कटाई हो गया आज। वेस्ट है वो निकल रहा है और जो आपको दिख रहा है उससे इसमें यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अभी जा रही है ये लेने के लिए। ये देखो ये पीछे से वेस्ट और यहाँ से गेहूँ। बहुत आवाज आ रही होगी आपको और छोटी छोटी धूल है ना ये धान की, वो भी आ रही है फेस पे। थोड़ी वो सीन है ना यहाँ पे, ऐसे करके ट्रैक्टर में ट्रांसफर हो रहा है। कुछ निकल चुके हैं ये हमारी ताऊ जी है, इनमें यही करते हैं खेत का बढ़ाई वगैरह। एंड देखो इतना धान निकल चुका है, इस बार तो कम ही है, हल्का ही है। अच्छा हाँ, छोटे छोटे ही दिख रहे हैं ना। अच्छा ये तो ज्यादा भी सूख, बरसात भी नहीं हुई। हाँ, इस बार काफी नुकसान 50 क्विंटल। अच्छा ऐसे इस बार फिर आपको कितना लग रहा है? 30 क्विंटल भी निकल जाए बहुत है। अच्छा अच्छा, 30 क्विंटल आज ही हो जाएगा, पूरा कट जाएगा नहीं अभी? हाँ काफी सही है। अभी तो पराल उठेगा पहले। हाँ जानवर को खाने के लिए। हाँ जो बच जाएगा आग लगा लो उसे तो बच जाएगा। हाँ वही तो। गाइस मैं अभी थोड़ी देर धान की कटाई देख रही थी एंड क्रशर ने तो ये बस इतना बड़ा एरिया 10-15 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देगा। और पीछे देखो आप मेरे कितने खेत दिख रहे हैं, उसमें भी लगे हुए धान, कहीं आधे सूखे हुए कहीं, मतलब आजकल थोड़ा यहाँ पे कम बारिश की वजह से काफ़ी बता रहे ताऊ जी कि इस बार थोड़ा कम पिछले साल के कंपेरिजन में, तो इस बार थोड़ा नुकसान हुआ है। बट इस ओके चलेगा, 30 क्विंटल भी काफ़ी होता है। तो हमारी ना ये जो सारे खेत है वो बढ़ाई में दे रहे हैं और आप देखो पीछे तो गए पूरे और पीछे सारी तरफ चारों तरफ पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए हैं। बस सुंदर लगता है ना यहाँ पे गांव का एरिया टाइप में। अच्छा छोटी छोटी मिल रही होगी ना।
अच्छा तो गाइस दिखा दी मैंने आपको हमारे तराई भाबर में धान की कटाई। तो मैं आपको ऐसी जगह दिखाते रहूँगी यहाँ पे अपने घर पे क्या क्या चीज़ें होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे भी देखना होता ना, अच्छा लगता है ये सब चीज़ जानना। तो बस अब मैं आ गई हूँ घर वापस। तो गाइस आजकल ना हमारे अमरूद का पेड़ भी लगाया है यहाँ पे, तो उसमें अमरूद आ रहे नए नए, दिखाती हूँ लगे कि नहीं लगे। बस सिर्फ परसों तो खाया था ये। दिख तो नहीं रहे यार, पर तो दिख रहे थे। ये देखो दिख रहा है ना, लगे हैं यहाँ पे कुछ। इनको तोड़ के खाते हैं। देखो ये रहा अमरूद, इनको तोड़ते हैं और खाते हैं फ्रेश फ्रेश से अमरूद। मिल गया मुझे काफ़ी। ये हो रहे हैं वैसे, दिख नहीं रहे, ऊपर हो रहे ना। ये देखो यहाँ पे भी है, उसको बाद में तोड़ेंगे। मीठा मुझे थोड़ा कच्चा है लेकिन बहुत मीठा होता है। ऐसे ही अमरूद अच्छे लगते हैं ना खाने में, टेस्टी। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे एंड कभी मैं आपको सारे जो पूरा घर है उसका अच्छे से टूर दूंगी ऊपर से लेके एंड सारे रूम से दिखाऊंगी हमारा घर कैसा है। एंड तो अभी फ़िलहाल अभी दिन का लंच वगैरह करते हैं। देखो और आज मेरा गुड हेयर डे है, लाइक जब मैं बिल्कुल शैम्पू वगैरह और कंडीशनर वगैरह अच्छे से करती हूँ और लाइक इनको बिल्कुल नेचुरल धूप में सुखाती हूँ, अपने आप हवा नेचुरल हवा में सूखते तो ज़्यादा कर्ल होते हैं। तो काफ़ी लाइक सारे लोगों की क्वेश्चन भी आते कि अरे आप अपने आपके बाल कर्ली हैं या आप खुद कर्ल करते हो। सो गाइज मेरे बाल खुद नेचुरली कर्ली है, बचपन से ही कर्ली है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्हें संभालने में, लाइक इनको हैंडल करने में, कैरी करने में, बट फिर भी चलो जो भी है। स्ट्रेट बाल मुझे सूट भी नहीं होते। सो कर्ली चैनल नेम ऑल्सो कर्ली ब्लॉगिंग। कमेंट भी आया था किसी का कि लाइक आपके हेयर्स कर्ली है तो आपका चैनल का नाम भी कर्ली व्लॉगिंग, जो कोई गंजा हुआ था उसका गंजा व्लॉगिंग। सो मुझे वो कमेंट हंसी भी आया था, उनके फनी वे में ही बोला था लाइक। तो ऐसी कुछ स्टोरी है। जिन जिनको मेरे हेयर्स अच्छे लग रहे हैं आज, तो प्लीज़ डू नाइट डू कमेंट ऑल्सो, ओके। और काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं रोज़ कर्ल करके बैठती हूँ अपने बालों को। आपको क्या लगता है मैं मतलब रोज़ इन बालों को कर्ल करूँगी? मतलब लाइक कोई भी कौन करेगा अपने बालों को कर्ल यार डेली? तो सारे लोग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे नॉर्मली भी मिलते हैं, ओ आपने कर्ल करे। जैसे मैं पार्लर वगैरह भी जाती हूँ तो भैया लोग भी बोलते हैं जैसे ये नेचुरल है या आपने कर्ल करे। मतलब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि जो मैं इनको रोज़ कर्ल करते हुए बैठूँ। और काफ़ी लोग भी वैसे भी जनरली भी पूछते हैं कि आपके बाल कर्ली है ये हुआ, तो मेरे नेचुरली खुद ही बाल कर्ली है मेरे, कोई करता नहीं है, इतना कौन करेगा डेली। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। गाइस अभी आ चुके हैं घर पर धान एंड देखो ऐसे नॉर्मल वगैरह समथिंग यहाँ पे रखेंगे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए ये, बस यहाँ पे रख रहे हैं पूरा साफ करके, फिर अंदर स्टोर करेंगे हम लोग। एंड काफ़ी ज़्यादा लंबे से लग रहे हैं देखो, ऐसे कुछ है।